करते हुए पीएल इंस्टीट्यूट के हमारे जो आज के हमारे नए डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी, जो लखनऊ में हैं और लखनऊ के राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के डायरेक्टर रह चुके हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान हैं, संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश भाषा के भी विद्वान हैं। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं और बीएल इंस्टीट्यूट के नए डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे साथ ये पूरे कार्यक्रम की जो प्रवक्ता है, व्याख्याता है, वह प्रोफेसर पवन कुमार जैन, पवन जी जैन, जो मतलब एक जैन चित्रकला, जैन स्थापत्य और जैन मूर्ति विज्ञान की बहुत बड़ी विदुषी है। बहुत सारे लेक्चर्स देश विदेश में दिए हैं और कई ग्रंथ भी लिखे हैं। पिछले साल हमने जो एक कार्यक्रम किया था, उनका संचालन भी पवन जी जैन ने किया था। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर नीरू मिश्रा जी, भारतीय चित्रकला, स्थापत्य और भारतीय कला में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, देश विदेश में चित्रकला का प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय चित्रकला को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह जगत के सामने रख करके भारत की चित्रकला की विशेषताओं को उजागर किया है। एक तरफ से प्रोफेसर डॉक्टर नीरू मिश्रा जी बीएल इंस्टीट्यूट, भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के परिवार की है और हमारे साथ विगत कई वर्षों से कार्य में सहयोग प्रदान कर रही है। मैं प्रोफेसर नीरू मिश्रा जी का भी स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम के लिए मैं बीएल इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी को आमंत्रित करता हूँ। वो संक्षेप में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम सम्मानी आभासी पटल में उपस्थित वक्तागण एवं श्रोतागण, यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने स्थान से ही पूरे देश के मंदिरों की कला, इतिहास तथा वैशिष्ट का ज्ञान सहज रूप में प्राप्त करने जा रहे हैं। मंदिरों में जाना तो कठिन है ही, जाकर भी सूक्ष्मता का बोध सभी को नहीं हो पाता। इसकी उपलब्धि कराने के लिए भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के प्रति हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए। साथ ही हमारे मार्गदर्शक उपाध्यक्ष प्रोफेसर जेबी शाह के प्रति, जिनकी दूरदर्शिता पूर्ण दृष्टि के कारण बीएलआई अपने महत्वपूर्ण दूरगामी परिणाम देने वाले कार्यक्रमों से समाज को उपकृत कर रही है। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाली डॉक्टर पवन कुमार इस समय कुछ अस्वस्थ हैं, फिर भी अपनी खोज पूर्ण ज्ञान से हमको उपकृत करेंगी। साथ ही प्रसिद्ध प्रोफेसर नीरू मिश्रा जी, जो पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, के उद्बोधन से तथा जेबी शाह के उद्बोधन से हम लोग उपकृत होंगे। पूरे महीने चलने वाले सप्ताह में 2 दिन के इस कार्यक्रम, यह जो कार्यक्रम है सायंकाल 7 बजे चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है सभी के ज्ञान में वृद्धि होगी। हमारे मंदिर, मूर्तियां, चित्रकारी जहां हमें ज्ञान को बढ़ाने वाली है, वहां हमारी भक्ति को भी दृढ़ करती है, जो मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति में सहायक है। जैन संस्कृति की प्राचीनता असंदिग्ध है। शाश्वत 3 काल के 24 तीर्थंकर की परंपरा हमारी जैन परंपरा है। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रियों को कला सिखाई थी। प्राचीन ग्रंथों में 64 कलाओं एवं 72 कलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। चित्रकला के इतिहास में जैन कला का उल्लेख अवश्य होता है, लेकिन उसके योगदान का सम्यक मूल्यांकन नहीं हो पाता जिसका वह अधिकारी है। आज उसमें हमारी उदासीनता भी बहुत बड़ा कारण है। आज जब हम अल्प ही नहीं, अति अल्प संख्यक हैं,
तथा हमारी भाषा प्राकृत तथा कला का प्रचार व प्रसार नहीं है तो कला प्रेमियों का कर्तव्य है कि चित्रकला, मूर्तिकला, मंदिर एवं स्थापत्य के प्रति जागरूक रहें, उसको समझें तथा सुरक्षित करने में सहयोग प्रदान करें, जिसमें भारतीय संस्कृति में जैन प्राचीनता का बोध लोगों को हो सके। सभी शास्त्रों में निपुण एवं संपूर्णतया बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर जेबी शाह की दूरदर्शिता का परिणाम है कि हम सब इतने महत्वपूर्ण मंदिरों की स्थापत्य कला का ज्ञान कर पाएंगे। इसके लिए सबको प्रोफेसर जेबी शाह के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए तथा भोगीलाल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष श्री निर्मल जी तथा सभी पदाधिकारियों के प्रति हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए। साथ ही इसमें जो अपना एकेडमिक योगदान दे रही हैं डॉक्टर पवन जैन एवं प्रोफेसर नीलू मिश्रा एवं और भी जो विद्वज्जन इसमें हमारे उपकृत करेंगे उनके प्रति भी हमको आभारी होना चाहिए। साथ ही इस चित्रकला और मूर्तिकला स्थापत्य कला के इतिहास को लिखने वाले जो हमारे विद्वान हैं जिनके कारण हम आज यह प्रस्तुत कर पा रहे हैं उनके प्रति भी हमको उपकृत होना चाहिए। यह व्याख्यान माला हमारे जीवन की धारा बदलकर इतिहास, संस्कृति एवं कला के प्रति नैसर्गिक प्रेम एवं अनुराग पैदा करेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। कला एक मूक काव्य है, इसमें कलाकारों की शताब्दियों का परिश्रम तो है ही, हमारी संस्कृति एवं सभ्यता के भी परिचायक है। कला में लोक मंगल भावना भी प्रस्फुटित होती है। आज मैं, जैसा कि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ था, संक्षेप में जैन चित्रकला पर 5-7 मिनट का प्रकाश डालूंगा कि जैन चित्रकला शैली में जैन तीर्थंकरों भगवान पार्शनाथ, नैमिनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी आदि के चित्र सर्वाधिक प्राचीन हैं। जैन चित्रकला का नमूना जैन ग्रंथों के ऊपर लगी दफ्तरियों या लकड़ी के पटरियों पर भी मिलता है, जिसमें रेखाओं के माध्यम से तीव्र भावाभिव्यक्ति तथा आंखों के बड़े बड़े सुंदर चित्र प्राप्त होते हैं। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत को प्रभावित करने वाली शैलियों में जैन शैली का प्रमुख स्थान है। इसका प्रथम प्रमाण 7वीं शताब्दी के पल्लव नरेश महेंद्रवर्मन के शासनकाल में मिली गुफा से प्राप्त होता है। विद्वानों ने चित्रकला शैली पर मुगल और ईरानी प्रभाव भी बतलाया है। पश्चिमी भारतीय चित्र समूह के वे भाग जो विषय वस्तु और हस्तशिल्प का चित्रण करते हैं उसे चित्रकला के इतिहास में जैन चित्र शैली कहा गया है। गुजराती, पश्चिमी भारतीय शैली और अभ्रंश शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। गुजराती पश्चिमी भारतीय शैली यह पाटन, अहमदाबाद, जैसलमेर, बीकानेर के जैन भंडारों में सुरक्षित है। जैन चित्रकला शैली में मानव कृतियां अजंता की चित्र शैली जैसी प्राप्त होती हैं, भले ही इतिहासकारों ने उसका मूल्यांकन नहीं किया है। यहाँ पर नारी चित्रण में जैन कलाकारों ने देवियों का अंकन अत्यधिक किया है। इन देवी चित्रों में उज्ज्वल धूम वर्ण लोक शैली की अल्हड़ता, वस्त्र सज्जा एवं मुद्राएं प्राप्त होती हैं। जैन परंपरा में शक्ति पूजा की भी परंपरा है, जिसमें कन्या, गृहिणी, माता, गणिका, दासी एवं देवी की अभिव्यंजना प्राप्त होती है। माता के 14 और 16 स्वप्नों का वर्णन जिसमें चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। स्वप्नों का अर्थ पूछते हुए माता के शोक का चित्रण, जब उसका परिणाम प्राप्त होता है तो कभी शोक का चित्रण, गर्भ परिवर्तन का चित्रण, पुत्र के साथ का चित्रण, भावों की अभिव्यक्ति सुंदरता पूर्वक होती है। बहन के रूप में कालकाचार्य की बहन का एक बहुत अच्छा दृष्टांत चित्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। बाहुबली की दो बहनें ब्राह्मी और सुंदरी को चित्रकला का ज्ञान कराते हुए दिखाया जाता है। स्थूल भद्र मुनि की 7 बहनें आदि जो साध्वी हुई थी उनके चित्र बड़े सुंदर प्राप्त होते हैं। इसी तरह से राजकुमारी शोमा, यशोदा, जम्बू स्वामी की 6 पत्नियों का चित्रण प्राप्त होता है। साथ ही विभिन्न प्रसंगों के आधार पर गणिकाओं, दासियों का विभिन्न कार्यों में संलग्न दिखाया गया है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के समय दिक कुमारियों के आगमन आदि के चित्रण प्राप्त होते हैं। अभ्रंश चित्रकला की जब हम बात करते हैं तो यह 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच प्रारंभ में ताड़पत्रों में और बाद में कागज में चित्रित हुई। अभ्रंश शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता है चेहरे की विशेष बनावट, नुकीली नाक तथा आभूषणों की अत्यधिक सज्जा। प्रारंभ के चित्रों में
जैन धर्म से संबंधित घटनाओं का चित्रण हुआ है, बाद में वैष्णव धर्म से प्रभावित चित्र भी बने हुए हैं। इस तरह से पश्चिम श्री दिगंबर जैन क्षेत्र श्री महावीर जी में महापुराण में भी एक माता मरुदेवी द्वारा देखे गए 16 सपनों का बहुत अच्छा अंकन प्राप्त होता है। फिर हमारे जो इसमें चित्रण प्राप्त होता है उसमें गज, वृषभ, सिंह, अभिषेक, लक्ष्मी माला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, स्वप्नों में कुंभ, पद्म, सरोवर, क्षीर सागर, देव विमान, रत्न राशि, निर्धूम आदि का चित्रण किया गया है। प्रायः जैन मंदिरों में निर्वाण क्षेत्र जैसे शिखर जी आदि के चित्र हमको प्राप्त होते हैं, समोसरण का चित्र प्राप्त होता है, प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों के क्षेत्र प्राप्त होते हैं। इसी तरह से एक हमारे यहाँ एक कल्प सूत्र की जो बात करती है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, उसमें तीर्थंकरों की 5 प्रमुख घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है, अवधारणा, जन्म, त्याग, प्रबोधन, प्रथम उपदेश है। संग्रहणी चित्र में ब्रह्मांड का चित्रण प्राप्त होता है। और इस तरह से महापुराण में जैसे कि पहले बताया गया है कि उसमें तीर्थंकरों के चित्रों का परिचय प्राप्त होता है। और अगर हम देखते हैं कि इतिहासकारों ने जो इसका मूल्यांकन किया है, यद्यपि संक्षेप में किया है, लेकिन 13वीं शताब्दी से जो 14वीं 15वीं शताब्दी है पूरी तरह से वो जैन का एक स्वर्ण काल कहा जा सकता है। और इसका विस्तार से अभी हमारे सामने कभी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जिसके फोटो भी प्रस्तुत किए जाएंगे। अभी मैं इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः अपने तीनों वक्ताओं का स्वागत करता हूँ और उनको मंच देता हूँ, जिससे कि मैं उन लोगों के बहुमूल्य वचनों को सुन सकूँ। डॉक्टर जेबी साहब, धन्यवाद। प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त में सार गर्भित बातें कही है। आने वाले दिनों में इसी का विस्तार प्रोफेसर पवन जैन जी करेगी। मैं यहाँ थोड़ा बीएल इंस्टीट्यूट, जिसको भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है, विगत मैंने जैसे कहा 5 दशक से दिल्ली में यह संस्थान इंस्टीट्यूट भारतीय विद्या के विभिन्न आयामों पर सघन कार्य कर रहा है। बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी का सबसे बड़ा कार्यक्रम है प्राकृत भाषा सिखाना। 35 सालों से हर ग्रीष्मकालीन, हर वर्ष समर में प्राकृत भाषा का 1 महीना का कोर्स चलाया जाता है और पूरे देश से विभिन्न भागों से यहाँ विद्यार्थी, प्रोफेसर्स और जिज्ञासु आते हैं। प्राकृत भाषा सिखाई जाती है। प्राकृत भाषा का प्रचार और प्रसार बीएल इंस्टीट्यूट का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ तत्वार्थाधिगम सूत्र, जो जैन दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, उसका भी अध्ययन कराया जाता है। 12 दिन का ये कोर्स पूरे दिन तक चलता है। अलग अलग विद्वान तत्वार्थ सूत्र के एक एक अध्याय को पढ़ाते हैं और ये भी कार्यक्रम विगत 10 वर्षों से चल रहा है। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स का आयोजन किया जा चुका है और सबसे बड़ी बात है कि संस्थान द्वारा करीब 40 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। एक और बड़ी बात है कि भारत का विभाजन हुआ, उसके पहले जो आज पाकिस्तान में है गुजरानवाला, उस गुजरानवाला में जैन धर्म के आचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब ने एक बहुत बड़ा पांडुलिपि संग्रह वहां स्थापित किया था और करीब 30,000 से अधिक पांडुलिपियां उस संग्रह में थी। जब वो वहां से आजादी की लड़त चालू हुई, तब सारी मैन्युस्क्रिप्ट वहां छोड़कर निकल जाना पड़ा था। उसके बाद हमारे बीएल इंस्टीट्यूट के वहीवटकर्ताओं ने और गुजरात के कुछ श्रेष्ठियों ने ये सारा प्रयत्न करके विभाजन के बाद
पूरा पांडुलिपि संग्रह भारत में लाया गया था। आज वो बीएल इंस्टीट्यूट में पूरा संग्रह हमें प्राप्त होता है। कई रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स उसमें हैं, कई चित्र पांडुलिपियां भी है। एक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा संग्रह है। इस प्रकार बीएल इंस्टीट्यूट अलग अलग क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट को एनआर बैनर्जी, प्रोफेसर देव, प्रोफेसर सत्यरंजन बैनर्जी, प्रोफेसर विनय सागर जी, प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जैसे बड़े बड़े विद्वानों का हमें सहयोग मिला है। उन्होंने यहाँ करके इस इंस्टीट्यूट की नामना को उस इंस्टीट्यूट को बढ़ाया है। ऐसे विद्वानों के द्वारा इस इंस्टीट्यूट का पूरे विश्व में नाम हुआ है, काम हुआ है। आज हमारे साथ बहुत सारे जिज्ञासु जुड़े हुए हैं। मैं सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। 16 लेक्चरों में हम यहाँ भारतीय मूर्तिकला, स्थापत्य कला और चित्रकला के बारे में जानेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान श्रेणी है और इस व्याख्यान श्रेणी में सभी जिज्ञासुओं को मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग सभी लेक्चर में जुड़े रहेंगे, ऐसे मेरे विनंती है और ऐसा मेरा आग्रह भी है। आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को, समझने को मिलेगा। बीएल इंस्टीट्यूट का इतना संक्षिप्त परिचय मेरे ख्याल से पर्याप्त है। आने वाले समय में हम और भी परिचय देते रहेंगे। इस पूरी श्रेणी को आयोजित करने में हमारे बीएल इंस्टीट्यूट के कर्मचारी और श्रुतरत्नाकर इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों ने, जो श्रुतरत्नाकर इंस्टीट्यूट हैं वो अहमदाबाद में स्थित हैं, उन्होंने बहुत भरसक प्रयत्न किया है। इस श्रेणी को स्पॉन्सर किया है हमारे इंस्टीट्यूट के चेयरमैन श्री निर्मल भोगीलाल जी ने, हमारे अध्यक्ष ओसवाल कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद के मालिक राजकुमार जी, और हमारे कनिष्ठ मित्र और हमेशा के विकास के लिए तत्पर रहने वाले प्रोफेसर श्रीमान डीके जैन, जिसको हम दर्शन कुमार कहते हैं, उनके सुमेर चंद जैन, जो उनके पिताश्री की स्मृति में, माता श्री राजकुमारी जैन की स्मृति में इस श्रेणी को उन्होंने स्पॉन्सर किया है। मैं उनका इस प्रवचन श्रेणी का, इस कोर्स के लिए स्वागत करता हूं। और मैं अब प्रोफेसर विदुषी नीरू मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा, वो इस कला के विषय में और हमें कुछ प्रकाश डालेगी। प्रोफेसर नीरू मिश्रा जी, अत्यंत हार्दिक धन्यवाद प्रोफेसर जीतू भाई शाह जी, माननीय प्रोफेसर जितेंद्र भाई शाह, आपको मैं प्यार से जीतू भाई ही कहती हूँ तो वही मुंह से निकल जाता है, माननीय प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी, बीएल इंस्टीट्यूट के नवीन एकेडमिक डायरेक्टर, आपका स्वागत है और आगे भी आगामी समय में आपका हमें सानिध्य प्राप्त होगा, आपसे आपकी विद्वता के साथ में हम भी आगे बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम की मुख्य कोऑर्डिनेटर, संयोजिका या मुख्य वक्ता जो है डॉक्टर पवन जैन, जो पिछले वर्ष भी हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत अच्छी एक सीरीज जैन चित्रकला के ऊपर आपने हमारे साथ प्रस्तुत की थी, और हम फिर पुनः आपका स्वागत करते हैं और हम आगामी समय में आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक भी हैं। प्रोफेसर शाह ने मुझे कहा था कि थोड़ा कुछ बोलना, तो उस औपचारिकता के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए समस्त एस्टीम्ड लिसनर्स और जो विद्युत गण, गणमान्य विद्युत गण हमारे जन हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका स्वागत करते हुए मैं थोड़ा अपना
इस विषय के बारे में जो मेरा अध्ययन है। मैं भी स्टूडेंट हुई, अपने आप को कहती हूँ कभी ये क्षेत्र जो है विद्वता का, जो विद्वानों का सानिध्य मिलता है, कभी पूरा नहीं होता। तो एक विद्यार्थी रहना ही इस क्षेत्र में मुझे अच्छा लगता है। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेणी महीम महिषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्ति। आप सबका इस प्रार्थना के साथ मैं स्वागत करती हूँ। भारतीय मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला जो आज का और आगामी समय में 2 महीने हमारे साथ विषय है, उसका जो पास्ट है, जो एंटीसिडेंट्स है, वो बहुत ही प्राचीन है। द ट्रेडिशंस आर एज ओल्ड, दीज रिच ट्रेजर्स जो है जो कवरिंग सेवरल मिलेनिया। आपको बता दो, थोड़ी सी मुझे दिक्कत है क्योंकि अभी अभी यहाँ पर लाइट चली गई है। मैं दिल्ली में ना होकर इस वक्त ऋषिकेश में हूँ, एक पावन धरती पर हूँ, और लाइट ना होने के बावजूद थोड़ा सा फोन की लाइट के साथ में मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। दीज वर डेवलप्ड, दीज स्टाइलिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन स्कल्पचरल आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर डेवलप्ड साइंटिफिकली एंड वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तुशास्त्र एंड शिल्प शास्त्र एंड हैव बीन पास्ड ऑन टू द सक्सेसिव जेनरेशंस एंड वी आर ऑल्सो बीइंग बेनिफिटेड बाई दीज साइंटिफिक डिस्कवरीज विच आर नॉट रीसेंट बट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। वी हैव न्यूमरस एग्जाम्पल्स लाइक टेम्पल 17 नंबर का टेम्पल सांची के कॉम्प्लेक्स में जो है, विष्णु टेम्पल ऑफ देवगढ़ जिसको हम अनंतशाही के साथ में हम उसको दशावतार टेम्पल भी कहते हैं, एंड भीतर गांव कानपुर के पास का, दीज आर प्रोटोटाइप्स ऑफ गुप्ता पीरियड जिसने एक टेम्पल आर्किटेक्चर का जो हमारे लिए एक पैरामीटर कहना चाहिए, एक मार्गदर्शन कहना चाहिए, एक लैंडमार्क कहना चाहिए, उस युग में हमारे लिए तैयार किया। वी ऑल्सो फाइंड मार्तंड टेम्पल, सन टेम्पल जो है ऑफ कश्मीर, लिंगराज टेम्पल एंड कोणार्क का टेम्पल उड़ीसा में, हम्पी में या विजयनगर एम्पायर का जो था विरूपाक्ष टेम्पल और विठल टेम्पल, रॉक कट टेम्पल्स ऑफ एलोरा एंड महाबलीपुरम, एंड रिसेंटली एक्सकवेटेड द्रविडियन टेम्पल ऑफ मुरुकन as our great treasures. We also have the Ramappa Temple of Palampet, also known as Rudreshwar Temple, recently inscribed 2 saal pehle UNESCO Heritage Site, named after the chief architect. Normally, jo temples hote hain, wo masons ke ya artisans ke naam par nahi hote. Otherwise, normally these marvels of art and are either named after the presiding deity or the patron or the donor. Each of these have ornate designs adorned with sculptures, carvings, and intricate patterns. बहुत ही बारीकी से, बहुत ही मृदुलता के साथ में अलंकृत हमें ये मंदिरों की दीवारें हो, चाहे उनके मूर्ति हो या भीतर का स्थान हो, हमें मिलते हैं। Besides ornate designs, the pinnacle of scientific designing can be seen in the musical pillars of Vithal Temple of Hampi. The Ramappa Temple is an engineering marvel, as in addition to musical pillars, it also has floating bricks created using sandbox technology. So, murti kala hai aur sthapatya kala hai, uske piche, behind mein, itni zyada technology इंजीनियरिंग उसमें इन्वॉल्व्ड है कि वो भी एक हमारे लिए शोध का विशेष विषय है जिस पर काम किया जा सकता है। मैंने इसके बारे में, रामप्पा टेम्पल के बारे में ये भी पढ़ा कि पत्थरों को पिघला कर मोल्टन स्टोन्स के साथ में ये पिलर्स बनाए गए हैं जिनमें एक बहुत ही विशिष्ट तरह का म्यूजिकल आवाज जो है वो आती है। द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन टेम्पल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाई रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स, and many temples are designed to symbolize aspects of Hindu,
बुद्धिस्ट एंड जैन कॉस्मोलॉजी। भारतीय मंदिर वास्तुकला वास्तुकला की एक विशेष शैली है जो भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों वर्षों की अवधि में विकसित होती रही है। ये अपने विस्तृत और अलंकृत डिजाइनों की विशेषता है जो अक्सर मूर्तियों नक्काशियों और जटिल पैटर्न से सुशोभित होते हैं। इसकी एक खासियत है कि सिर्फ भारत की भूमि पर ना रहकर ये सुदूर भारत भी ये ट्रेवल करा इन्होंने और इंडोनेशिया में जावा सुमात्रा खास तौर से बाली इन सब देशों में हमको देखने को मिलती है। कंबोडिया जहाँ का अंकोरवाट का टेम्पल महाभारत का पूरा बार रिलीफ के साथ में अलंकृत है, उसको अगर एक हफ्ता भी देखा जाए तो पूरा नहीं पड़ता। भारतीय मंदिरों की वास्तुकला धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं से बहुत प्रभावित है। कई मंदिरों को हम जैन ब्रह्मांड विज्ञान के पहलुओं के प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया है, उनको हम देख सकते हैं। पीछे मैंने देवगढ़ का ललितपुर के पास शांतिनाथ मंदिर का व्याख्यान दिया था, उसमें इस कला का जो है बहुत ही विशिष्ट रूप हमें देखने को मिलता है। थ्री क्लासिफिकेशंस द फॉर्म्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, जो तीन शैलियां भारतीय मंदिरों की हमें देखने को मिलती हैं, जो नगर स्टाइल है जिसमें शिखर मुख्य रोल अदा करता है, उसमें शिखर है, मंडप है, अर्धमंडप भी होता है कभी कभी, और एक प्रदक्षिणा पथ होता है जिसमें काफी डेकोरेटेड परफोरेटेड छेद करे हुए, जैसे हम कहें जाली का काम होता है ताकि हवा भी आती रहे और लाइट भी आती रहे। तो ये मेन चीजें होती हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंटेशन में अलंकरण करने में जो है आर्टिस्ट ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। जो इसके टॉल पिरामिडिकल शिखर होते हैं और मेन श्राइन गर्भगृह जो है वो बीच में होता है, विच इज कैरेक्टराइज बाय इट्स ऑर्नेट डिजाइंस देयर। देन सेकंड क्लासिफिकेशन इज द्रविड़ स्टाइल, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ऑर्नेट गोपुरम गेटवे, इसका मुख्य होता है और एक टावर की तरह बना रहता है। बहुत ज्यादा जमीन भूमि इसमें होती है जिसके भीतर में जाकर ये मंदिर होते हैं। मंडपम है, हॉल है। दिस स्टाइल इज प्रिवेलेंट इन सदर्न रीजन ऑफ आर कंट्री। द फ्यूजन ऑफ द टू अ सिंक्रेटिक स्टाइल, एक शैली जो है दोनों की मिक्स होके जो वेसर स्टाइल कहलाई जाती है, वेसर शैली कहलाई जाती है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो इसकी टावर में कुछ स्टेपिंग टाइप की होती है। ऑल दीज टेम्पल्स आर रिच इन द आर्ट ऑफ स्कल्पचर। इट हैज बीन सेट दैट एंड आई एम कोटिंग, अ स्कल्पचर इज अ थ्री डायमेंशनल आर्ट वर्क दैट इज टिपिकली क्रिएटेड यूजिंग मटीरियल सच एज स्टोन मेटल वुड और क्ले। Sculptures can take many forms, including statues, figurines, reliefs. It can be high relief or a bas relief, niche ki relief, installations, etc. They can be realistic or abstract and can depict a wide range of subjects, including some people, animals, nature, narratives, and mythological figures and mythological stories. Sculptures can be freestanding, meaning they can be viewed from all sides or attached to a wall or the surface or can be carved out from the monolith or from the stone, I unquote. Murti kala ek triyami kalakriti hai jo aam taur par patthar, dhatu, lakdi ya mitti jaisi samigriyon ka upyog karke banai jati hai. Murtiyan kai roop se ban sakti hain jinme nakashiyan sthapnaen sthapit hain. ये यथार्थवादी या अमूर्त हो सकते हैं और जानवरों पौराणिक कथाओं आकृतियों सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला एक स्टोरी लाइन को चित्रित कर सकती है। मूर्तियां फ्री स्टैंडिंग होती हैं जिसका अर्थ है कि उन्हें सभी तरफ से देखा जाता है। ये दरवाजों पर चौखट पर छत पर पुकारी जा सकती है। एविडेंसेस ऑल्सो शो दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैव यूज्ड स्कल्पचर्स for a wide range of purposes, including religious, ceremonial, and decorative purposes. Many ancient cultures, such as Egyptians, Greeks, and Romans, created sculptures as a way to honor their gods
and their heroes. In addition, many sculptures were created to commemorate important events or people, or to tell stories and convey important messages. Ek प्राचीन काल से, चाहे वो इजिप्शियन कल्चर रहा हो, चाहे रोमन ग्रीको रोमन कल्चर रहा हो, स्थापत्य कला और मूर्ति कला का विशिष्ट स्थान रहा है. और इस तरीके से उन्हें लगता था इतिहास की मूर्ति कला और स्थापत्य कला एक ऐसी एविडेंस है जिसको हम मटेरियल कल्चर कहते हैं, जो युगों युगों तक लोगों के हृदय पटल पर अलंकृत रहेगी, छापी छाप जैसी उसकी पड़ी रहेगी. तो एक ये बहुत बड़ा माध्यम है इतिहास को आगे ले जाने के लिए. पुनर्जागरण के दौरान भी हमें देखने को आता है 14th-15th century में रेनेसांस पीरियड जो इटली में हुआ और यूरोपियन दूसरे कंट्रीज में हुआ, महान मूर्तिकार हुए माइकल एंजेलो लियोनार्डो जैसे. यद्यपि हम उनकी आज इतनी महिमा करते हैं, पर 6th century में, 6th शताब्दी में भारत में गुप्त कला की जो मूर्ति कला थी या स्थापत्य कला थी वो ऑलरेडी चरम सीमा पार कर चुकी थी. तो इतना एडवांस जिस देश के पास स्थापत्य कला और मूर्ति कला का इतिहास है, उसे किस तरीके से और आगे ले जाएं, इसको डॉक्टर पवन जैन के माध्यम से, बीएल इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं. और एक बात जो हमें देखने को मिलती है, द कोर्स दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑन टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स बाय बीएल इंस्टीट्यूट बाय इटसेल्फ इज वेरी टाइमली एंड सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस इंडियन आर्ट टेक्निक ऑफ आर्ट अप्रिसिएशन which is very, very essential as it allows individuals to understand and appreciate the cultural and historical significance of different art forms. एक बहुत बड़ा माध्यम है कला को देखने का, कला को समझने का और कला को परखने का, और उसको अपने ही समझ से, और जैसे प्रोफेसर विजय जैन ने कहा अभी कि दूसरे हमारे सामने स्कॉलर्स विद्वान जो लिख चुके हैं उसको पढ़कर हम किस तरीके से इसको अपनी एक क्षमता को क्रिएट करें, ताकि हम भी जब कभी भी टेम्पल्स देखें या मूर्तियां देखें तो हम उसको किस तरीके से अप्रिशिएट कर सकें. इट नॉट ओनली बेनिफिट्स टू इवॉल्व सोफिस्टिकेटेड डिसर्निंग स्किल्स बट कैन सरोगेट क्रिएटिविटी इन अस. Such intellectual engagements with the study of art and art forms will definitely enrich the experience of life and will help in identification of life with deeper cultural traditions, flowering the understanding of our faith and beliefs from time immemorial. ये जो हमारे सामने 16 lectures का एक course चलेगा, हम इस बात का मैं विश्वास रखती हूँ कि इसके अंत तक आते आते हमारी इस सब्जेक्ट के प्रति शौक, इंटरेस्ट और क्षमता इसको समझने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो प्राचीन काल से हमारे सामने है विजुअल आर्ट के माध्यम से, लेकिन हमारी समझ नहीं थी. भारतीय स्थापत्य व मूर्तिकला की भव्यता शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती. प्रत्येक मूर्ति, प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक पत्थर उसकी अपने आप में एक गाथा व्यक्त करता है, एक इतिहास को हमारे सामने लेकर आता है. वी ऑल वुड अग्री दैट दिस सीरीज ऑफ लेक्चर इज नॉट अबाउट अटेंडेंस, नॉट अबाउट अटेंडिंग और गेटिंग ई सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द कोर्स. इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे प्रोफेसर जीतू भाई शाह ने अभी कहा कि आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ई सर्टिफिकेट के लिए इस कोर्स को मत अटेंड करिएगा. इस ज्ञान को समझने के लिए और अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अपने शौक से हर क्लास को अटेंड करिएगा. पता नहीं प्रोफेसर पवन जैन कौन सी नई चीज हमारे सामने पेश करेंगी, लेकर आएंगी. इनफैक्ट इट इज मच मोर देन
ई सर्टिफिकेट और अटेंडेंस. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल एग्री विद मी एंड यू विल बी फार मोर एनलाइटेंड अबाउट द रिच इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चरल हेरिटेज एंड द मटीरियल कल्चर. दिस इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स बट द टॉर्च लाइट इट विल प्रोवाइड इट विल हेल्प यू इट विल फैसिलिटेट यू टू सी द टेम्पल आर्किटेक्चर इन अ न्यू वे. इट्स स्कल्पचर्स जो उसकी मूर्तियां हैं और आइकनोग्राफी है और जो एस्थेटिक है उसके साथ में उसको आपका देखने का नजरिया रिच हो जाएगा. आप अपने आप को धनी समझेंगे. हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो बदल जाएगा. एंड एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था एंड आई कोट बी योर ओन लाइट अपो दीपो भव. यू विल बी योर ओन लाइट टू अप्रिशिएट द आर्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर sculptures scientifically developed and handed over by our former generations. Aesthetics and iconography of each sculpture an eye-opener to us, and we will grasp the philosophy, belief and faith which is behind the stones, which is behind the sculptures, which is behind the temple, which is behind any metal which has been used for it. इसके साथ ही मैं आप लोगों को शुभकामना देती हूँ. बीएल इंस्टीट्यूट को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, खासतौर से प्रोफेसर जितेंद्र भाई शाह का, कि आपने मुझे ये अवसर दिया और मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी आगे होने वाले लेक्चर्स में भी. प्रोफेसर पवन जैन को मैं गुड विशेस देती हूँ, थैंक यू कहती हूँ कि आपने इस विषय के बारे में सोचा और अपनी नॉलेज हमारे साथ में आप शेयर करेंगी. प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी को मैं वेलकम करती हूँ हमारे साथ में, हमारे परिवार में आप जुड़ रहे हैं, आगे भी आपसे संपर्क होता रहेगा. थैंक यू सो मच ऑल द एस्टीम्ड लिसनर्स हु आर विद अस. आई एम श्योर आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस विल बी बेनिफिटेड बाय दिस कोर्स. ओम स्वस्ति अस्तु. थैंक यू. धन्यवाद प्रोफेसर नीरू मिश्रा जी. आपने सही कहा कि ये बीएल इंस्टीट्यूट का एक परिवार है और आप परिवार की सदस्य हैं. आपने हमेशा बड़ी दीदी और मार्गदर्शन देते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए हमेशा आप तैयार रहती है. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस में, आप यात्रा पर हैं, ऋषिकेश में हैं और वहाँ जुड़ना मुश्किल है, फिर भी आपने हमारे साथ जुड़ करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनॉग्रल लेक्चर दिया. इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम के लेक्चर देगी स्कल्पचर एंड टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया. आप सभी ने अभी जो संक्षिप्त प्रवचन सुना उसमें ये बात सुनी कि भारत की स्थापत्य कला अत्यंत प्राचीन और कलात्मक है. मंदिर के आत्मा के रूप में मंदिर में स्थापित परमात्मा की प्रतिमा या मुख्य देव या देवी की प्रतिमा होती है, लेकिन मंदिर निर्माण करना कितना कठिन है और हमारे कारीगरों ने, शिल्पियों ने, स्थापतियों ने एक बहुत बड़ी कला पहले से ही विकसित कर दी थी. मंदिर में जाते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, स्थापत्य क्या है, शिल्प क्या है, शिल्प तैयार करने वाले शिल्पियों ने कितनी मेहनत की है और अलग अलग प्रकार के शैली के मंदिरों का निर्माण किया है, वो सारी बातें इन 16 लेक्चरों में हमें पवन जैन बताएगी. पवन जैन का संक्षिप्त परिचय मैंने प्रारंभ में दिया, लेकिन जैसे जैसे आप उनसे इस लेक्चर सीरीज में, इस सर्टिफिकेट कोर्स में उनको सुनते जाएंगे, आपको उनकी विद्वत्ता का परिचय होता जाएगा. पिछले कुछ दिनों से पवन जैन जी की तबीयत, स्वास्थ्य
अस्वस्थ चल रहा है, गले में खराबी होने के कारण बोलने में बहुत तकलीफ थी, फिर भी दवाई आदि लेकर के आज हमारे साथ उपस्थित हैं। हमें बहुत बड़ी चिंता थी कि आज मंगल प्रारंभ के दिन किस प्रकार से हम आपको सुन पाएंगे, लेकिन परमात्मा की कृपा से आपकी हिम्मत ने, आपके पुरुषार्थ ने आपके गले को ठीक करके हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अत्यंत आनंद और हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। आने वाले 16 लेक्चर जब आप उनसे सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस विषय में, इस क्षेत्र में जो परिश्रम उन्होंने किया है, टेंपल आर्किटेक्चर के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन उसका व्याख्यान के रूप में सुनना और इस कोर्स में जुड़ना वो एक सौभाग्य का विषय है। बीएल इंस्टीट्यूट के द्वारा निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं यहाँ मंगल प्रारंभ के रूप में थोड़ा ही समय प्रोफेसर पवन जैन जी को निमंत्रित करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि आप आज के मंगल उद्बोधन में आप कुछ कहेंगे। थैंक यू प्रोफेसर जितेंद्र भाई शाह, विजय कुमार जैन जी एंड प्रोफेसर नीरू मिश्रा। आई एम सो वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट। या सो वी ऑल नो एंड ऑफ कोर्स ऑल द वेरी क्यूरियस माइंड्स हु हैव जॉइंड अस इन ग्रेट नंबर्स टुडे, अ हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। So we all know this course is an in-depth study of temple architecture and sculptures of India. We learn about the ritual aspects such as Vastu Purush Mandal, grid consecration, different parts of Hindu temple and their significance, and placement of divinities along with the iconography will be discussed. We know the earliest structural temples present in situ are from Gupta period, as was mentioned by Professor Neeru Mishra just now. And also amongst early cave temples, we have Udaygiri, Elephanta, and Badami. The case studies of representative regional styles of North Indian temples, such as the temples of Kashmir, Marthand, Avantiswami, Pandrithan, Kalinga style as seen in temples of Orissa, Parshurameshwar, Lingaraj, and Konark, Jagannath, the sub-styles and styles prevalent in central India, Pratihar, Chandela, Kalchuri, and Parmar, and Jain and Brahminical temples of Gujarat and Rajasthan, such as places like Osha and Mount Abu, the Dilwara temples. Then from South India, we will take the case studies of rock cut and structural temples created during the reigns of Western Chalukyas, Pallavas, Rashtrakutas, Cholas, and Hoysalas. Also, Vijayanagar will be taken into account. While we give these dynastic appellations or the titles to various periods of temples, this is only for the purpose of convenience. Also, a contribution of the British archaeologists, I would say. We will see that not always there was this royal patronage. But, when we are talking about those temples, we always attach them with these dynasties. Also, the regional nomenclature is prevalent, like the Nagar, Dravid, the Karnataka, the Kalinga, Maru Gurjar styles, etc., etc. So, the main thing is, before we talk about the temple architecture, let us throw some light on the ancient Indian wisdom, which forms the very basis of this course. So we will start with the Nastya Sukta, what the Rigveda says in its 10th mandal. It talks about the creation of the cosmos. And it says that space is the first and the foremost phenomenon. Prior to creation, in fact, there was total darkness and one homogeneous fluid substance which impregnated with movement, a golden egg, the Hiranyagarbha, came into existence. God Indra divided the egg that floated on the waters.
popped up the upper half, which became the firmament or Deu or heaven, and steadied the lower half, the earth. So with this separation of heaven and earth, light with its sun, moon, stars filled the space between heaven and earth. And as it was lying in between them, it was called the Antariksh. So in this sense, India was the, Indra was the actual pillar that supported the firmament or the heavens or the Deu. He also assigned positions to the lights of heaven and regulated time. In this way, God is the architect, and he's also supposed to support the whole of cosmos. So the space, the mid-space, the Antariksh in post-Rigvedic texts is called the Akash, which we also know as space. So the space is not void. In fact, it is a subtle, very subtle substance or an element which is perceptible by our senses and which is present in all the other four elements. We are talking about the Panchbhutas. So space is one. And then, of course, we have air, fire, water, earth, the Panchbhutas. And it is made, the space is made manifest by sound. So the four elements, air, fire, water, and earth, can be, of course, touched, seen, tasted, and smelt. They proceed in, ever-increasing density from the first element, which is ether or akash. So it is perceived by hearing. The sound, the shabda, is the quality of ether or akash. The first and the foremost of the elements in the process of manifestation. In the beginning, we say it was only the word. Then let's talk about another text, Chandogya Upanishad. What does it say about man? It says, man is spoken as the city of Brahman or Brahmapura. Within this city of Brahman, there is one particular abode, a small lotus flower. And within this small space, the Hridayakash is there. And this space actually has the deepest truth. And in this space, the secret of the cosmos is known to man, the microcosm. So the whole cosmic space is fathomed within the small space of the heart. And Akash is the name of the possibility of the coming into existence of this perceptible world. In this sense, the Vedic religion differs and prompts the seeker to look inwards. If we talk about other world religions, say Islam or Christianity, the religions believe in congregational worship. Whereas, whether it is Hindu, Buddhist, or Jain, we feel it is each individual's journey to realize the truth. In fact, the other religions, they say that there is only one God, whereas we say there is only God. So this is, there is a major difference here that I find between the other world religions and the Indian religions. And it is so evident when we say the first shloka, the Ishavasyamidam Sarvam Yatkin Jagat Tyam Jagat. Hana, all this is the habitation for the Lord. Whatsoever is, you know, is there, it is all about him. Then, of course, the Vishnu Sahasranam or the Narayan Sukta says, Ya idam Vishvam Vyapnuti Iti Vishnu. He who pervades the earth completely. And then, of course, in Bhagavad Gita, we have this body is termed as Kshetra, the field of activities. And the one who knows this body is called the Kshetragya. And then finally, we have Deho Devalaya Prokto, Jiva Prokto, Sanatana, Maitreya Upanishad. It says the body is the temple, the life enshrined in it is the eternal Lord. So, what is the meaning of Devalaya? I just said this. So, when we take just the verbal meaning, it will be the abode of the God, Devalaya, a place, but on a higher plane, we can say
a place where man completely dissolves into something that transcends the physical and the mental plane. So the three essential principles of Hindu teachings that affect not only astrology but many other subjects of learnings, including the Hindu architecture. Okay. So I think many of you may have some problem if I'm saying Hindu all the time. It is very true. None of our scriptures or any of the ancient texts ever has mentioned this very word Hindu. All right. It has come from outside. People living along the Sindhu River were called the Hindus. But it has become such an everyday word in our vocabulary today that we do not hesitate to use this word for ourselves anymore. So you will have to pardon me if I am using this word now and then. All right. So what are these three essential principles that I want to talk about? First is, of course, the world is a manifestation of body of God, or if I say more precisely, the world is the body of God. A sacred structure such as a temple is designed to be not just the home of God, but the actual body of God. The building is sacred because it is the deity directly. And we will learn this, in different parts of the temple are in line with the human anatomy when we are talking about different parts of the temple in the later sessions. Then a tiny structure like a temple or a home compared to the large universe is constructed as a miniature version of microcosm of the greater universe, the macrocosm. And we also know the part always contains within itself the whole, right? We all know if any organic compound, it's made up of multiple of carbon atoms, yeah? But the carbon atom itself has all those, inputs that make up to get that organic compound or that whatever, a tree or whatever organic substance that we're talking about. Similarly, temple building is designed by aligning the universe on the inside with the universe on the outside, knowing that the whole is within and you control the forces of the universe within that building. And so to put it very simply, we say yatha pinde tatha brahmande. So with this brief background in the forthcoming sessions, we will deal with the innumerable temples or devalayas, deos, prasadas, kovil, whatever name you may like to call them. And I'm very excited to take you on this journey together. We will try to visit the most fascinating aspect of a religion, the concretization of the philosophy and spiritual aspect of the Hindu religion we just spoke about in the form of the beautiful edifices or the structures that have been created over centuries by the most learned sthapatis or the architects and the very, very skilled and very proficient craftsmen. So with this, I will end my address and look forward to our sessions in the forthcoming weeks very, very eagerly. Thank you so very much. Yes, namaste. Namaste, Pavanji. Aapne is sankshipt vyakhyan mein Bharatiya murtik कला एवं स्थापत्य कला के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही. उपनिषद और हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो बात कही है उनको आपने अपने प्रवचन में बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया.
हमारे साथ करीब 600-700 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम सभी को जूम में जोड़ नहीं पाए हैं। कई मित्रों का ये जूम पर प्रश्न भी आए हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या जो यूट्यूब से जुड़े हैं उनको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं। मैं सभी को, सभी जिज्ञासुओं को और प्रतिभागियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जो जुड़े हैं उन सभी को सर्टिफिकेट निश्चित रूप से मिलेगा। अगले सेशन में आप सब लोग जूम में ही जुड़ पाएंगे, ऐसा हमारा प्रयत्न है। सोमवार मंगलवार तक ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। और साथ में ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम, जैसा कि पवन जी ने कहा कि एक हमारी यात्रा है, 16 व्याख्यानों की यात्रा है, उसमें बहुत सारी नई जानकारी प्राप्त होगी। बीएल इंस्टीट्यूट मतलब भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हमारे सभी जो कमिटी मेंबर्स हैं उन्होंने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए हमें जो सहयोग दिया है, हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम करें। मैं उन सभी हमारे कमिटी मेंबर्स का आभारी हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मैंने जैसा कहा कि आज हमारे साथ प्रोफेसर नीरू मिश्रा जी जुड़े, मैं उनका भी आभार मानता हूं कि बहुत ही कम समय में हमारी विनंती का स्वीकार किया। हमारी बड़ी दीदी हैं, हमारे बीएल इंस्टीट्यूट के कमिटी मेंबर भी हैं, और हमेशा उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन और उनका ज्ञान वर्धक सूचन सलाह हमें मिलती रही है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे नए डायरेक्टर प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी, आज उन्होंने प्रारंभिक वक्तव्य दिया। वक्तव्य में चित्रकला, जैन चित्रकला, मूर्तिकला के विषय में संक्षेप में किंतु सारगर्भित वक्तव्य दिया, उसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ। आज हमारे साथ 100 से अधिक लोग जूम पर जुड़े हैं और करीब उतने ही लोग हमारे साथ यूट्यूब में जुड़े हुए हैं। कई मित्रों ने प्रश्न भी पूछे हैं। मैं आने वाले समय में आपके प्रश्नों का जब आपको ये सेशन के अंत में हमेशा मिलता रहे ऐसी व्यवस्था होगी, तो आपको जो भी प्रश्न पूछना है उसके लिए प्रश्नोत्तर काल भी रखा जाएगा, जिसमें आप हैंड रेज करेंगे तो आपको प्रश्न पूछने का अवकाश दिया जाएगा। आप प्रश्न पूछ सकते हैं और हमारे विदुषी वक्ता पवन जी जैन आपकी जिज्ञासा का उत्तर भी देगी। मैं और भी ये बात कहना चाहता हूं कि आने वाले सभी लेक्चर में आप जो कुछ भी पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, आप ईमेल से भी पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इस सर्टिफिकेट कोर्स में सभी व्याख्यान अटेंड करना आवश्यक है। जिन्होंने सभी लेक्चर अटेंड किया होगा उन्हीं को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अपनी तबीयत यानी स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण उद्घाटन प्रवचन देने के लिए मैं पवन जी का अत्यंत आभारी हूँ, और आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य संपूर्ण स्वस्थ रहें ऐसी कामना करता हूँ। और हमारे इस सर्टिफिकेट कोर्स के जो स्पॉन्सर है, हमारे संस्थान के चेयरमैन श्री निर्मल कुमार जैन जी, निर्मल भोगीलाल जिसको हम कहते हैं, निर्मल भोगीलाल का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।
हमारे संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जैन ओसवाल जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और दर्शन कुमार जिसको हम डीके कहते हैं, उन्होंने अपनी माता और पिता की स्मृति में इस सर्टिफिकेट कोर्स को स्पॉन्सर किया है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी जिज्ञासुओं को आभार व्यक्त करते हुए आज के इस उद्घाटन समारोह का समापन करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आने वाले समय में आपको बहुत सारे विषयों का ज्ञान होगा, ये इस विषय में मैं आपको श्रद्धा दिलाता हूँ। तो आज हम यहीं इस कार्यक्रम को समाप्त घोषित करते हैं। आने वाले समय में आप जूम से ही सभी जुड़ पाएंगे। मैं सभी को नमस्कार करते हुए इस कार्यक्रम